बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा और ना ही मैं इन सब इनफर्टिलिटी वगैरह इन सब के बारे में बहुत टेक्सचुअल बातें नहीं करूंगा। मैं बहुत सारा टेक्सचुअल चीजें बता के मैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। लेकिन इतना गारंटी है बोल सकता हूँ कि तुम सबको अगर मेरी बात अगर समझ में आ गई तो तुम 100% तुम अपने प्रैक्टिस में काफी उसका हेल्प हो सकता है। मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर डिस्कस करूंगा मैं प्लीज, बिल्कुल भी एक भी गोल बच्चे नहीं दूंगा इसमें। मैं 110% में जो मुझे आप बताऊंगा 110% काम करेगी इसकी गारंटी। बस मैं जो बोल रहा हूँ सब थोड़ा सा ध्यान लगा, ध्यान से सुनना। पहले कुछ रिजल्ट बता देता हूँ मैं, ये कुछ रिजल्ट्स है मेल इनफर्टिलिटी स्पर्म काउंट के बिफोर ट्रीटमेंट, यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा नहीं। 18 स्पर्म काउंट है 18 मिलियन, उसके बाद में आफ्टर ट्रीटमेंट डायरेक्ट डबल 32 हुआ है। नेक्स्ट पेशेंट 38 मिलियन स्पर्म काउंट है, आफ्टर ट्रीटमेंट 75 मिलियन स्पर्म काउंट हुआ है। ये सब रियल पेशेंट के रिपोर्ट्स है, ये सब रियल में होता है और वो भी इतना फास्ट होता है और इतना गारंटी के साथ होता है कि तुम बिलीव भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये कैसे होता है मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज, कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सब लोगों ने काफी सारा बता दिया है, काफी अच्छे से बताया। बस शॉर्ट में अति व्यायाम अति व्यवहार असाध में सेवन वगैरह होता है। मेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या चीजें, ये भी मैं बहुत फास्ट में लूंगा। मेल इनफर्टिलिटी इज मोर कंसर्न अबाउट वॉल्यूम ऑफ स्पर्म, स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्मिया और व्हाटएवर व्हाटएवर, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन जनरल ट्रैक्ट एंड ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब एग्जैक्टली आई विल टेल यू कि क्या करना क्या है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म जो होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से अपान वायु रेगुलेट करता है। ठीक है, जब ये अपान वायु इसको जब पित्त का आवरण आ जाता है, पित्त एवरी कफ का आवरण, यानी मतलब क्या होता है कि कोई भी पेशेंट जब पित्त का आहार विहार खा लेता है, जब उसमें पित्त प्रधान होता है, तो वो प्रकृति पित्त हमारे अपान वायु को अवरुद्ध करता है। तो ऐसी कंडीशन को हम सिंपल भाषा में बोलेंगे पित्तावृत अपान वायु। कहने के लिए बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े वर्ड लगेंगे, लेकिन ये अगर इसको समझ में बहुत ही सिंपल है ये कि इसको अगर हम पित्तावृत अपान वायु और कफावृत अपान वायु होगा तो देखो कि अगर इसकी चिकित्सा करनी है तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मुझे इसकी चिकित्सा करनी है स्पर्मेटोजेनेसिस अगर स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो सबसे पहले मुझे इसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी, राइट, मतलब पित्त की चिकित्सा करनी पड़ेगी। इसकी चिकित्सा जब सही होगी तभी मैं यहाँ तक आऊँगा अपान वायु तक आऊँगा। तो एग्जैक्टली यही करना है, पित्त की प्रधान चिकित्सा है विरेचन, विरेचन के बाद में अपन की चिकित्सा है अपन मतलब बात बात मतलब बस्ती। ठीक है, तो विरेचन और बस्ती सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका विरेचन करना है। मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानूंगा कि पहले उसका विरेचन करना ज्यादा सही रहेगा, विरेचन अपने गमन देन बाद में बस्ती, पहले बस्ती करेंगे तो मे बी वो उल्टा सीक्वेंस हो सकता है। तो पहले विरेचन और गमन एंड बाद में बस्ती। ठीक है, अब वाई शोधन, अभी शोधन इसमें शोधन चिकित्सा ही क्यों, मतलब अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे कि उनको लगेगा कि अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, कपी कुच्चू अश्वगंधा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, मकर दो जाने रोटी वगैरह, इन सब चीजों से मतलब बस्ती ही वमन विरेचन बस्ती ये सब इतनी श्रेष्ठ क्यों है। तो इसको मैं एक शॉर्ट एग्जांपल में बताऊंगा। समझ लो कि ये अपनी अर्थ है, अर्थ में एक बंदा एक ए नाम का आदमी है जो अर्थ के एक कोने में है, उसके पास 20 लीटर वाटर है, और बी नाम का एक बंदा है जिसके पास सिर्फ 1 लीटर पानी है। ठीक है, हमको जो ए का बंदा है वहां का 20 लीटर पानी उसको बी तक लेके आना है। ठीक है, उसको पानी की सब जरूरत है। तो नॉर्मल रूट कैसा आएगा कि वो सबसे पहले ए बंदा ए से लंदन आएगा, फॉर एग्जांपल के लिए लो, वो सब ए जो है लंदन आएगा, लंदन से न्यूयॉर्क आएगा, न्यूयॉर्क से शिकागो आएगा, शिकागो दुबई, दुबई दिल्ली, दिल्ली सिंगापुर, सिंगापुर से यहाँ तक आएगा। ईच एंड एवरी स्टेशन पे वो कुछ ना कुछ पानी खुद भी पिएगा वो बंदा। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ तक आने को उसको ऑलमोस्ट 13 लीटर पानी यहाँ पे मिलेगा उसको। ठीक है, ये रास्ते से 13 लीटर पानी, मतलब उसके पास पानी था 20 लीटर, यहाँ तक आने को उसको सिर्फ 13 लीटर पानी मिला। नेक्स्ट प्लीज, और ये ड्यूरेशन जो है ये 7 मंथ का ड्यूरेशन है। ठीक है, 7 मंथ लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट प्लीज, ई स्टेशन ही ड्रिंक्स 1 लीटर। तो अभी एग्जैक्टली अगर समझो अभी ये पेशेंट जब ए नाम का पेशेंट जब निकलता है तो लंदन से न्यूयॉर्क के बीच में काफी उसको ट्रैफिक लगता है। ठीक है, काफी सारा ट्रैफिक है, ट्रेन जाम है, व्हाटएवर, तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम होने के कारण वो वैसे भी वो पानी इतना मतलब उसको वहाँ पे और ज्यादा पानी पीता है वो, उसके कारण हर जगह पे उसे ट्रैफिक लगते जाएगा। और जहाँ पे उसको 13 लीटर पानी यहाँ पे जो पहुंचाने वाला था तो बीच में ट्रैफिक के कारण उसको वो हार्डली 10 लीटर पानी पहुंचा पाएगा, क्योंकि बीच बीच में उसने हर जगह पे
पानी पिया है वो एग्जैक्टली यही सिस्टम अपनी बॉडी में होता है, वो कैसे होता है बता दो। हाँ तो अभी अगर समझो उसको ये ए को अगर ये सब ग्रुप को बाईपास करना है तो वो सीधा क्या करेगा, अगर उसको ज्यादा ज्यादा पानी पहुंचाना है तो वो ए डायरेक्टली फ्लाइट से सिंगापुर तक आएगा, सिंगापुर श्रीलंका डायरेक्टली वो बी तक आएगा। ठीक है तो ये इजी शॉर्टकट रास्ता उसने क्या किया, ये सभी स्टेशन को बाईपास कर लिया और डायरेक्ट सिंगापुर तक फ्लाइट से आ गया, फ्लाइट से डायरेक्ट श्रीलंका से डायरेक्ट बेबी तक पहुंचा जाएगा। ठीक है तो पानी का जो एब्जॉर्प्शन है पानी उसने कम किया, एग्जैक्टली इसको बॉडी में होता है। बॉडी में क्या होता है बॉडी में क्या होता है शुक्र, यहाँ पे शुक्र क्षय हुआ है, ठीक है शुक्र क्षय है और ए के पास अपने शुक्र पोषक आहार रूपी शुक्र पोषक औषधि है। ठीक है शुक्र पोषक आहार है, शुक्र पोषक औषधि को अपने को शुक्र क्षय जहाँ पे हुआ है शुक्र धातु तक पहुंचाना है। तो रास्ता है आहार, जो हम खा रहे आहार खा रहे उससे आहार रस बनेगा, रस से रस धातु रक्त माउस में दस्ती मजा शुक्र। ठीक है ये सीक्वेंस रहेगा। अब लेकिन अगर ये सीक्वेंस जो है आज के जमाने में हर पेशेंट को एसिडिटी पित्त डाइजेशन खराब है उसका, तो ये जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम जो मैंने बताया था वो एक्जेक्टली मतलब तुम्हारा क्या है दातवाग्नि मानदे है, वो दातवाग्नि मानदे के कारण वो जो शुक्र पोषक आहार जो औषधि उसको देना था वो उतना पहुंचेगा नहीं, इतना मतलब जितना एफिकेसी थी वो बीच में कम होती जाएगी। तो एग्जैक्टली वो जब यहाँ जो शुक्र पोषक औषधि यहाँ पे पहुंचनी चाहिए थी वो उतना नहीं पहुंच पाएगी, एंड एग्जैक्टली ये होता है बॉडी में। तो इसलिए हमको क्या करना है, हम अगर किसी रास्ते से इसको अगर बाईपास कर सकते हैं, ये सभी चीजों को अगर बाईपास करते हैं तो कोई एक रास्ता है जिससे हम बाईपास करके आराम से यहाँ तक हम आराम से पहुंच सकते हो, वो रास्ता एग्जैक्टली कौन सा है, वो रास्ता तुम्हारा है बस्ती है। बस्ती क्या करेगा, बस्ती यहाँ पे अस्थि धातु तक मतलब बस्ती जो है पकवा शय में जाती है, पकवा शय को ही हम अस्थि धारा कला बोलते हैं। अगर तुम सुश्रुत कला अगर पढ़ते हो तो पकवा शय धारा कला इज इक्वल टू अस्थि धारा कला, मतलब क्या अस्थि धातु का निर्माण पकवा शय में होता है। तो एग्जैक्टली हम जो शुक्र पोषक आहार है वो जो आहार की औषधि जो भी है वो अस्थि धातु तक लेके आए और अस्थि धातु से नेक्स्ट जस्ट दूसरा तीसरा धातु तुम्हारा शुक्र तक है, तो आसानी से वो औषधि जो है वो 100% काम करेगी इस तरीके से। अब इसमें जो अपने को बस्ती देनी है वो बस्तांड बस्ती, ये सबसे बड़ी चीज मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कि बस्तांड बस्ती मतलब क्या है, बकरे जो बकरा जो उसके टेस्टिस का माउंसरस निकालना है अपने को और वो माउंसरस की तिक्त क्षेत्र में उसकी बस्ती देनी है। तो ये कुछ सीक्वेंस है हम कैसे उसका माउंसरस बना सकते हैं, अगर टाइम है तो बता दूँ टाइम ओवर। ठीक है इस तरीके से माउंसरस निकालना है, माउंसरस निकालने के बाद में उसको तिक्त क्षेत्र पाउडर में ऐड करके उसका तिक्त क्षेत्र काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के बाद में माउंसरस वो जो माउंसरस दिया था वो माउंसरस प्लस तिक्त क्षेत्र काढ़ा ये मिला के जब तुम पेशेंट को बस्ती के फॉर्म में जब देते हो तो दैट इज इक्वल टू बस्तांड बस्ती। एग्जैक्टली ये अगर होता है तो फॉर्मेटाइजेशन नॉर्मली 50 डेज का साइकिल होता है, आज मैंने जो बस्तांड बस्ती दी है वो 50 डेज बाद तुम आप एग्जैक्टली 2 महीने बाद उसका स्पर्म को रिपीट करो 110% उसमें इम्प्रूवमेंट तुमको दिखेगी, साथ में कुछ अगर मतलब मेडिसिन दे सकते हो आयुर्वेद वगैरह तो काफी अच्छे से काम करेगा। अब बस एक कॉमन सा सबके मन में ख्याल आएगा कि बस्तान बस्ती क्यों, तो इसका सिंपल सा आंसर है बाकी अश्वगंधा ग्रुप की बस्ती भी हम दे सकते हैं, बस्तान बस्ती इसलिए देना है क्योंकि सिंपल सा है समान से वृद्धि। एग्जैक्टली होते हैं कि कृषि शरीर अगर उसको हम मांस सेवन करने बोलते हैं, इसको ब्लड की कमी है पांडु है उसको हम लाल रंग के पदार्थ खाने बोलते हैं, तो एग्जैक्टली मतलब मांस समान से वृद्धि है। तो एग्जैक्टली यही होता है कि जहाँ पे शुक्र क्षय है वहाँ पे शुक्र क्षय हम इधर से ले सकते हैं।